हेलो दोस्तों, मैं ऊशान, किसान क्रेडो चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोयाबीन की फसल में डलने वाले टॉनिक के बारे में कि कौन सा टॉनिक लेना है, कौन सा नहीं लेना है और सबसे बड़ी बात कि टॉनिक क्यों लेना है। वो यदि किसी कारण से ले भी रहे हो तो कितने तक का लेना है, 600 रुपये वाला, 1000 रुपये वाला या फिर 2000 से ऊपर वाला। तो हम इन्हीं टॉपिक पर आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर पास में लगी घंटी को दबा दीजिए ताकि आपको खेती से जुड़ी जानकारी की खबर मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं हमें टॉनिक क्यों लेना है, अपनी फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए या फिर हम हर बार स्प्रे करते हैं इसलिए, या फिर सभी लोग डाल रहे हैं तो हम भी डाल देते हैं इसलिए, या फिर किसी टॉनिक ने कभी आपकी फसल का उत्पादन बढ़ाया है इसलिए, या फिर कोई दुकानदार या कंपनी वाला आपको अच्छे से समझा कर दे रहा है इसलिए, या फिर आपका मन कर रहा है कि कोई सा भी डाल देते हैं कुछ तो काम करेगा इसे, यह सोच कर लेना है। तो इनमें से कुछ भी सोचकर आप टॉनिक खरीदते हैं तो उससे पहले आप यह देख लें कि क्या हमारी फसल को टॉनिक की ज़रूरत है, और ज़रूरत है भी तो किस काम के लिए टॉनिक लेना है वही टॉनिक खरीदें। मान लो अगर फसल को खरपतवार नाशक दवाइयों से झटका लगा है या फिर किसी भी कारण से फसल की ग्रोथ नहीं हो रही है, फसल की हाइट कम है, तो आप सिर्फ हाइट बढ़ाने वाला टॉनिक खरीदें। और अगर फसल की हाइट बिल्कुल सही है या फिर ज़्यादा बढ़ गई है तो हाइट को रोकने वाला टॉनिक खरीदें। घुमा फिरा कर कहने का मतलब यह है कि आप फसल की आवश्यकता अनुसार टॉनिक को खरीदें। पहले फसल को देखिए और एनालाइज करें कि फसल की समय अवधि के साथ फसल की अवस्था कैसी है और कैसी रहनी चाहिए। अगर पौधे में फैलाव कम है तो शाखाओं को बढ़ाने के लिए टॉनिक खरीदें। फूल की मात्रा में कमी दिखे या फिर बाद में फूल झड़ते हो तो उसके हिसाब से टॉनिक खरीदें। ऐसा नहीं है कि कोई टॉनिक सबसे महंगा है तो सबसे अच्छा होगा। फसल की ज़रूरत के हिसाब से जो लगे वही लेना है, वो चाहे 600 रुपये लीटर का हो या 1000-1200 रुपये लीटर का हो या फिर 2500 रुपये लीटर का हो। उदाहरण के लिए मान लो अगर आपको सोयाबीन की हाइट बढ़ाना है तो उसके लिए 700 से 800 रुपये वाला टॉनिक लगता है और 100% हाइट बढ़ाता भी है। अगर आप उसकी जगह दूसरा महंगा टॉनिक लेंगे 2500 रुपये वाला, जो कि हाइट बढ़ाने में कोई मदद नहीं करता, तो उसका स्प्रे करने से कोई मतलब ही नहीं है। इस वीडियो में आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप वही टॉनिक खरीदें जिसकी फसल में आवश्यकता हो, ये नहीं कि आप किसी बड़े ब्रांड के पीछे भागे और उसकी कीमत से ही आप उसके रिजल्ट का अंदाज़ा लगा लें। ऐसा करना गलत होगा। फसल की हाइट बढ़ाने के लिए या फिर बढ़ती हाइट को रोकने के लिए, फैलाव के लिए, फूल के लिए, फूल झड़ने से रोकने के लिए, सस्ते महंगे सभी टॉनिक की जानकारी के वीडियो पहले से ही किसान के राय चैनल पर मौजूद हैं। आप उन्हें चैनल पर जाकर देख सकते हैं और आने वाले सप्ताह में भी आपको सभी बेस्ट टॉनिक और नए नए टॉनिक की जानकारियाँ मिलती रहेगी, जिसके लिए आप सब्सक्राइब बटन और घंटी को दबाकर चैनल से जुड़े रहिए। और वीडियो में आपको बात सही लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और यदि किसी टॉनिक ने आपको 100% चौंकाने वाले रिजल्ट दिए हो तो उसे आप कमेंट में लिख दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं सभी टॉनिक की पूरी पूरी जानकारियों के साथ अगले वीडियो में।